भारतीय खेल प्राधिकरण नॉर्थ सेंटर सोनीपत में आप सबका स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर हम कुश्ती के ग्रास रूट ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रवेश करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हमने ग्रास रूट ट्रेनिंग मॉड्यूल का लेसन हमने करवाए हैं, फिर हमने डेवलपमेंट स्टेज के ट्रेनिंग मॉड्यूल करवाए हैं और हम टोटल तीसरा वीक है, लेकिन ग्रास रूट का जो अगला सप्ताह है उसमें हम आज पहला दिन का जो आज ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो करवाएंगे। और इसमें श्री महावीर प्रसाद जो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं वो लेसन लेंगे, बेसिक स्टांस, क्रीको और फ्री स्टाइल, जो आपके एबीसीडी हैं, जो बेसिक्स हैं कुश्ती के दाव पेच, वो आपको सिखाएंगे। और इस पूरे प्रोग्राम का तो पूरा दारोमदार प्रोग्राम डायरेक्टर श्री जगमेंद्र सिंह जी, जो हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर और इस प्रोग्राम को देख रेख कर रहे हैं, वो इसके पीछे जो अपने विजन है उन्होंने अपना विजन दिया है। आज एक हमारे बीच में स्पेशल गेस्ट हैं, मिस साक्षी मलिक। इनका हमको कोई भी हम इसके परिचय के मोहताज नहीं है। ये ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्डी हैं। और आज इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अब हमारी डायरेक्टर महोदया श्रीमती ललिता शर्मा जी से विनती करता हूं कि वो आगे की कार्रवाई को अंजाम दें। नमस्कार, आज फिर से हम ग्रास रूट क्लास के लिए तैयारी में हैं और आज के जो ग्रास रूट की क्लास लेंगे हमारे प्राचार्य अवार्डी श्री महावीर सिंह जी हैं और इनके साथ द्रोणाचार्य अवार्डी हमारे जो प्रोग्राम डायरेक्टर हैं मिस्टर जगविंदर, और इनके साथ हमारे जो दो कोचेज हैं रूपेश और संदीप हैं। तो आज सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे बीच में साक्षी मलिक हैं। और जहां तक साक्षी मलिक की बात है, आप सब जानते हैं, बड़ा परिचित नाम है। और आप देखते हैं कि आज हमारा जो साक्षी, जहां पे ये ग्रास रूट की क्लास हो रही है, इस हॉल का नाम साक्षी मलिक के नाम से ही, इस हॉल को जब इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था तो उसके बाद इस यहाँ पर इस हॉल को साक्षी मलिक के नाम से ही हमने रखा है। और आज आप सारे हॉल में आज साक्षी मलिक की ही आपको पिक्चर्स देखने को मिलेंगी। तो साक्षी जी, आपका इस ग्रास रूट क्लास में बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और जब तक आपकी अचीवमेंट्स की बात है, मुझे बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि 2016 में रियो ओलंपिक्स में आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता, आपने कॉमनवेल्थ में बहुत से मेडल जीते हैं, ग्लासगो में आपने सिल्वर मेडल जीता था और ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है कॉमनवेल्थ में। एशियन चैंपियनशिप में आपका ब्रॉन्ज मेडल है 2015 में दोहा में, सिल्वर मेडल 2017 में है दिल्ली में, ब्रॉन्ज मेडल 2018 में है, ब्रॉन्ज मेडल एक और आपने 2019 में भी जीता और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी, आप जूनियर चैंपियनशिप में भी आप ब्रॉन्ज लेके लिया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको पद्मश्री 2017 में दिया और 2016 में ओलंपिक्स के बाद आपको राजीव गांधी खेल रत्न भारतीय सरकार ने दिया है। आपको बहुत बहुत बधाई और आज हमें बहुत खुशी है कि आज आप हमारे बीच में आई हैं। और हमारे जो बच्चे हैं जो अभी ग्रास रूट में हैं, जो कि 8 साल से 12 साल के बच्चे हैं, हम ये चाहते हैं कि अभी से ही इनके बेसिक्स क्लियर हो और वो एक यूनिफॉर्म ट्रेनिंग करें, ताकि जब नेक्स्ट वो खेलो इंडिया में आए तो उनका बेस पहले से बना हो। चाहे वो बच्चा साउथ का हो, चाहे वो बच्चा नॉर्थ का हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का हो, उसकी शुरू से ही ग्रास रूट की ट्रेनिंग जो है वो यूनिफॉर्म वे में हो। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो प्रोग्राम है भारतीय खेल प्राधिकरण और कुश्ती संघ की तरफ से बनाया गया प्रोग्राम है और ये एक विजन है हमारे डीजी साहब संदीप प्रधान जी का कि
कि हमें पूरे देश में एक यूनिफॉर्म ट्रेनिंग करनी है बच्चों के लिए, और वो बच्चे जो हैं आज जो 8 साल का और 12 साल का बच्चा है उसकी तैयारी नेक्स्ट ओलंपिक्स जो हमारे 2024 में और 2028 में होंगे उसकी तैयारी के लिए है। अभी से ही उस ओलंपिक्स की तैयारी हम लोगों ने शुरू करी है, तो ये मैं आपको बताना चाहती थी। सब लोग आज साक्षी मलिक के साथ उनके विचार सुनना चाहेंगे, तो मैं स्वागत करती हूँ साक्षी मलिक का। और एक साथ मैं और भी बताना चाहती हूँ कि आज हमारे साथ बहुत जो कुश्ती संघ के टेक्निकल लोग हैं, रेफरीज हैं, वो भी सब आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं मुझे लगता है कि वो आज बहुत खुश होंगे साक्षी मलिक को देखने के लिए और उनके विचार सुनने के लिए। तो एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ और आमंत्रित करती हूँ साक्षी मलिक को कि वो अपने विचार हमारे साथ साझा करें। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। और सबसे पहले तो मैम यही कहना चाहूंगी कि ये बहुत अच्छा जो प्रोग्राम है जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रेसलिंग फेडरेशन ने जो चलाया है, मैं काफी दिन से इसे फॉलो कर रही हूँ। और मैं ये कहना चाहूंगी कि नए बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है, जो अभी इस क्वारंटाइन के समय में जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में, उससे सेफ रहते हुए घर बैठ के हम कुश्ती की बहुत सारी ऐसी जानकारी ले सकते हैं घर बैठे बैठे। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाया है, और मैं भी बहुत खुश हूँ कि आज मैं इस प्रोग्राम को एज अ गेस्ट के रूप में ज्वाइन कर रही हूँ। साक्षी, आप हमें बताएं आपकी जर्नी कैसी रही, कैसे आपने शुरू किया? मैंने एक जगह में पढ़ रही थी कि आपको हवाई जहाज में बैठने का शौक था जो कि आपको कुश्ती में ले आया, क्या ये सच है? बिल्कुल मैम, ये सच है। मुझे नहीं पता था कि फैमिली में ऐसा कोई नहीं था रेसलिंग से। दादाजी पापा बताते थे कि दादाजी ने कभी मिट्टी में रेसलिंग की थी, बस इतना ही पता था। वैसे शुरू से ही मेरा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता था। जैसे मैं स्कूल में कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती थी तो मैं सबसे आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। तो बस मुझे ये था कि मुझे स्पोर्ट्स में ही कुछ करना है, लेकिन इतनी नॉलेज नहीं थी कि मैं ये जान सकूं कि क्या ओलंपिक्स हैं, क्या एशियन गेम्स हैं, क्या कॉमनवेल्थ गेम्स हैं। तो मैंने, मेरे घर के पास में स्टेडियम था, मैंने वहां जाना शुरू कर दिया। और जो मेरे सीनियर्स थे वहां पे, उन्होंने बताया कि आप ऐसे फर्स्ट आओगे तो आप दूसरी कंट्री में जाओगे हवाई जहाज में बैठ के। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मुझे तो हवाई जहाज में बैठना, और मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे ओलंपिक्स तक जाना है। कोई पीछे था वो मैंने खुद इसीलिए बचपन में देखती थी हवाई जहाज उड़ते हुए, और बहुत ही होता था कि पता नहीं इस लाइफ में तो बैठ पाऊंगी नहीं बैठ पाऊंगी, क्योंकि बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से थी मैं। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया और मेडल्स आने शुरू हो गए, तो कुश्ती के प्रति मेरा प्यार बहुत ज्यादा बढ़ गया। और फिर मुझे पता चलना शुरू हुआ कि हाँ, एशियन गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, ओलंपिक्स हैं। उस दौरान जो है सुशील पहलवान जी, योगेश्वर पहलवान जी ओलंपिक्स में जाते थे और उनके मेडल्स भी आए। तो जब से मैंने ये था कि अभी तो मुझे ओलंपिक्स तक जाना है और मेडल जीतना है। आप हमें ये बताएं रियो ओलंपिक्स में, क्योंकि हमने भी आपकी मूव आउट देखी थी, तो जब जैसे ही आप जीती तो कुलदीप जी ने आपको अपने कंधों पे बिठा के पूरा वहां राउंड लगाया, तो आप हमारे साथ शेयर करें कि वो कैसा मोमेंट था, क्या आपको फील हो रहा था? हमें इतना अच्छा था आपको उस तरह बाउट जीतते हुए और इंडिया का फ्लैग लेते हुए, और कुलदीप जी ने आपको जैसे उठाया तो वो एक अलग ही मोमेंट था, आप इसके बारे में? जी मैम, अभी आपने पूछा तो मुझे फिर से वो फीलिंग एक बार फील करने को मिली कि हाँ ऐसा हुआ था। तो उस टाइम मेरी थर्ड ब्रॉन्ज मेडल मैच की बाउट थी, तो कुलदीप सर मुझे समझा रहे थे कि बेटा अभी इतने ऊपर तक आ गए हो, एक बाउट रह गया, मेडल जीतना है कैसे भी करके। तो वो लड़की जो है वो पहले भी, मैंने उसकी बाउट देखी हुई, मेरी कभी उसके साथ कुश्ती हुई नहीं थी, तो वो पहले भी वर्ल्ड चैंपियन और वर्ल्ड मेडलिस्ट रह चुकी थी। तो कुलदीप सर ने मुझे इस तरीके से समझाने की कोशिश की कि बेटा ये तो कुछ नहीं है, और मुझे पता कि हाँ उसका मेडल भी है पहले, तो मुझे इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे कि तू तो इससे बहुत ज्यादा तगड़ी है। कुलदीप सर को बाद में पता चला कि ये लड़की वर्ल्ड मेडलिस्ट भी है। तो बस उनका यही था कि मुझे लास्ट मेडल मैच कैसे भी करके जीतना है, और मेरा भी ये था कि मैं लास्ट तक लड़ूंगी, अभी ब्रॉन्ज मेडल मैच तक आके मैं से नहीं पीछे हट सकती। छोड़ा बिल्कुल सेकंड रह गई थी और फिर भी मैं पीछे चल रही थी, तो लास्ट बिल्कुल 2-4 सेकंड में ही मेरा पॉइंट हुआ था। और
एकदम वो फीलिंग जो है मैम वो मैं कभी वर्ड्स में नहीं बता पाई, बट वो उस जैसी फीलिंग मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी फील नहीं किया है, क्योंकि 14 साल से मैं कुश्ती कर रही थी और वो सपना एकदम से पूरा हुआ, तो समझ में ही नहीं आया कि मैं हंसू या इमोशन, पता नहीं, बहुत मिक्स्ड अप फीलिंग थी एकदम से। और कुलदीप सर भी एकदम आके मुझे अपने कंधों पे बिठाया और धीरे धीरे डाइजेस्ट हुआ कि हाँ, जो तेरा गोल था वो तूने अचीव कर लिया। और ऐसे ही मेडल मिला और फिर मैं और कुलदीप सर गेम्स विलेज में जा रहे थे, तो वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे कि बेटा तेरा मेडल आ गया है, ब्रॉन्ज मेडल आ गया है तेरा, तो अभी आगे ऐसा ऐसा होने वाला है। और मुझे ये सब ऐसे अजीब सा लग रहा था कि सीरियसली इतना लाइफ चेंज होती है। कुलदीप सर को एक्सपीरियंस था, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो ऐसा होगा, अभी आपके साथ ऐसे होने वाला, और आप जब बूढ़े हो जाओगे लाठी लेके चलोगे तो भी आपको लोग याद रखेंगे। और वो फीलिंग फिर मुझे इतना, उन्होंने इतना चलते चलते मुझे इतना कुछ फील करा दिया कि मैं बिल्कुल, मतलब मैं वो वर्ड्स में बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कितना अच्छा लगा था उस टाइम पे। तो कुलदीप सर ने मुझे पहले बताया था और इंडिया में आके मुझे वो का वो फील करने को मिला, लोगों ने इतना प्यार और इतना सम्मान मुझे दिया, तो आप लोगों की बदौलत है जो मैं देश के लिए मैं पदक जीत पाई। आपकी वो फोटो हमने यहाँ लगा रखी है जो कुलदीप जी ने आपको कंधों पे उठा के रखा है, जी जी जी, बैग लिया है, वो फोटो यहाँ साक्षी मलिक हॉल में भी है। साक्षी, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। करते रहे। लास्ट में आप बच्चों को, जो आज हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं 8 साल से 12 साल के, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहती हैं, वो आप देते हैं। जी मैं बिल्कुल मैसेज देना चाहूंगी कि अभी बहुत मुश्किल टाइम है, हमें भी प्रॉपर ट्रेनिंग करने को मौका नहीं मिल रहा है, और ये जो इतना अच्छा प्रोग्राम चला है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हमारी फेडरेशन ने, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग आप लोग ज्वाइन करें और आपको घर बैठे बैठे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप पाओगे, क्योंकि एकदम से मुझे मैट से मतलब अजीब लगा कि 14 साल तो मैंने मैट के साथ ट्रेनिंग किया और एकदम से पता नहीं ये कैसा समय आ गया, लेकिन ऐसे प्रोग्राम के जरिए हम जुड़े रह सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि मैं एक नॉर्मल फैमिली से थी, मुझे ओलंपिक्स के बारे में कुछ नहीं पता था, कोई सोशल मीडिया इतना नहीं था, अभी तो इतना ज्यादा सब कुछ ओपन है, सोशल मीडिया है, हम बाहर की लड़कियों की कुश्तियां देख सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग देख सकते हैं, आप लोगों के पास तो अभी इतनी सारी फैसिलिटीज भी हैं, तो अगर मैं ऐसे बैकग्राउंड, तो आप लोग भी अचीव कर सकते हो, उससे आप जो भी काम करोगे आप 100% सक्सेस हो गए। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ बने रहे, और आपका कोई भी सुझाव होगा तो आप मैम बताते रहे। मैम 4:30 5 o'clock मेरी ट्रेनिंग है, तो क्या मैं अभी ज्वाइन करना, आप 5 बजे तक जुड़े रहे हमारे साथ, जैसा आप ठीक बेहतर समझे, जैसा आप बेहतर समझे, आपका कोई भी सुझाव होगा तो आप हमें जरूर बताते रहे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मैडम, और जैसा कि आपने जाना, हमारी ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको बताए, और ये अगर जीत की बात करते हैं तो ये एक फिल्मों में देखा होता है कि लास्ट में जो हीरो है वो उसको विलेन को पीट के और जीतता है और हमेशा शुरू में हार रहा होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा क्लाइमेक्स के तौर पे इन्होंने वो कुश्ती जीती है, जो आखिरी कुछ चंद सेकेंड में, चंद लम्हों में। नॉर्मली जब हम खेल की बात करते हैं तो जब ये कहा जाता है कि जब तक दौड़ खत्म नहीं होती, समय खत्म नहीं होता, प्रयास करते रहना चाहिए, और ये इससे बढ़िया एग्जांपल क्या हो सकता है कि उन्होंने आखिरी पल में उल्ट फेर करते हुए भारत के लिए मेडल जीता। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम, और जब भी कोई बच्चों की ऐसी मोटिवेशन की बात आती है तो हम आशा करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। जी जी जरूर। इसी के साथ आज हम अपना ग्रासरूट लेवल का प्रोग्राम खेलो इंडिया ई पाठशाला के तहत शुरू करने जा रहे हैं, और मैं विनती करता हूं हमारे डायरेक्टर प्रोग्राम श्री जगविंदर सिंह जी से और श्री महावीर प्रसाद द्रोणाचार्य अवार्डी से कि वो अपना प्रोग्राम स्टार्ट करें। इसके बाद मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज हमारा जो एंड है उसमें हम खान पान के बारे में भी बताएंगे,
पांच सात मिनट का ये होगा, उसमें बैलेंस्ड आहार या बैलेंस्ड डाइट पहलवानों के लिए क्या होने चाहिए उसके बारे में कैप्सूल हमारा लेसन रहेगा, तो उसके साथ भी आप आखिर तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। ओवर टू श्री महावीर प्रसाद जी। और साक्षी मलिक बहुत बहुत बच्चों के लिए आपने जो एक्सप्रेशन जो बताई उन सब से बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और श्री जगविंदर सिंह जी, अर्जुन अवार्डी और द्रोणाचार्य अवार्डी जो हमारे साथ हमें मोटिवेट करते रहते हैं, और श्री वजीर सिंह जी जो इस प्रोग्राम को अच्छी तरह देख रेख रहे हैं, इन सब का धन्यवाद। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे देश में रेसलिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे अच्छी उम्र है 8 से 12 वर्ष, और इस उम्र में हम आज बेसिक चीजें जो बच्चों में हमारे नहीं कमियां देखने को मिली है, वो कमियां अब आने वाले टाइम हमारे बच्चों को ना रहे। बेसिक जो स्टांस है, बच्चों को रेसलिंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, वो चीजें आज हम बताने जा रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज सभी बच्चे पूरे देश में अच्छी तरह से उसको वॉच करेंगे और उसको नोट करेंगे कि हमें रेसलिंग स्टार्ट करनी है, किन किन पॉइंटों पर ध्यान देना है और कैसे हमें आगे बढ़ना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब तो जैसे साक्षी ने बताया कि पूरा आपको हर चीज है, हर फैसिलिटीज आज अवेलेबल है। भारत सरकार पूरी तरह से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारतीय कुश्ती संघ पूरा जोर शोर से सभी इस खेल के लिए पूरा ध्यान दे रहे हैं, पूरा जोर लगा रखे है। और रेसलिंग तो हमारा टॉप इवेंट है कि ओलंपिक में हमने सबसे ज्यादा इसमें मेडल दिए हैं, तो और मुझे उम्मीद है कि आने वाला टाइम ओलंपिक में रेसलिंग सबसे ज्यादा आगे रहेगी। और इस विश्वास के साथ सभी बच्चे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें आएंगे रेसलिंग के लिए और ज्यादा से ज्यादा मेडल देश के लिए देंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रास रूट के बच्चों के लिए, पहले वार्म अप होगा, वार्म अप के बाद जो मेन चीजें मेन है तो रेसलिंग में बच्चों के लिए कि सबसे ज्यादा रेसलिंग में गर्दन में स्ट्रेंथ की जरूरत है, ब्रिजिंग को बहुत प्रॉपर और अच्छी तरह से ब्रिजिंग करी जाएगी। फिर एक रेसलिंग के लिए कोऑर्डिनेट के लिए फ्रंट रूल बैक रूल है, उन पर भी अच्छी तरह पूरा वर्क करेंगे। और उसके बाद सबसे जो जरूरी है, जो हमारे बच्चों को सीखने को नहीं मिलता, उन बच्चों का स्टांस अच्छी तरह से नहीं डेवलप होता। और बहुत से अच्छे पहलवान मैंने अपने देश के देखे हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल पर भी मेडल अच्छे जीते हैं, किंतु उनकी स्टांस और उनकी लड़ती इतनी अच्छी नहीं है, होने के कारण वो और अच्छे रिजल्ट दे सकते थे किंतु वो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं दे पाए जितनी उनमें कैपेसिटी थी। तो इसलिए आज हम उन सारी चीजों पर वर्क करेंगे। स्टांस जो बच्चों को सीखना बहुत जरूरी है, और एक अच्छे स्टांस के बाद बहुत कम ताकत से एक बच्चा अच्छी कुश्ती जीत सकता है। तो अभी पहले वार्म अप, उसके बाद हमारा ब्रिजिंग होगा, क्योंकि सबसे जरूरी है तो इस गर्दन का इन्वॉल्वमेंट होता है, खेंच मारी जाती है और हर तरफ से टेक्निक में ब्रिजिंग गर्दन की स्ट्रेंथ के लिए हमें ब्रिजिंग बहुत जरूरी है। और ब्रिजिंग भी फ्रंट ब्रिज और बैक ब्रिज सारे तरह के ब्रिज किए जाएंगे, उसके बाद हम स्टांस पर वर्क करेंगे। चलिए पहले वार्म अप स्ट्रेचिंग के साथ शुरू करेंगे, उसके बाद स्ट्रेचिंग के बाद रनिंग जॉगिंग के साथ और प्रॉपर स्टैंडिंग एक्सरसाइज, उसके बाद ब्रिजिंग और फ्रंट रोल बैक रोल। चलिए और ये मैं तो ये कहता हूँ बच्चों को सबसे जरूरी है कि स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स शुरू करने करते वक्त जैसे स्विमिंग जिमनास्टिक है, उससे भी बहुत ज्यादा मदद मिलती है रेसलिंग में, तो ये भी स्टार्टिंग स्टेज पर करते रहना चाहिए। ये वार्म अप की एक्सरसाइज शुरू हो गई है, और जब अच्छी तरह वार्म अप कर पाएंगे तो जो बाकी एक्टिविटी है अच्छी तरह आप कर सकते हैं। तो जो भी जो छोटे बच्चे हैं बड़े जोश के साथ लगे हुए हैं, स्क्रीन कम देखें, अपनी एक्सरसाइज करें। बच्चों के लिए जरूरी है कि वो एरोबिक में ट्रेनिंग करें, ज्यादा एनोबिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले हमें अपने बच्चों का कोऑर्डिनेशन, फिटनेस और बैलेंस बनाना जरूरी होता है, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ना है। सबसे पहले छोटे टारगेट को लेकर चलना है, हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर
और अपने रेसलिंग को सीखना, उसके बाद बच्चे आगे बढ़ के धीरे धीरे, जैसे साक्षी ने और बजरंग ने भी बताया कि स्टार्टिंग टारगेट है वो ओलंपिक नहीं होता, स्टार्टिंग टारगेट छोटा छोटा होते हुए हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट में अगर हम सच्चे दिल से और कड़ी मेहनत करते हैं तो हमारा टारगेट हम जरूर हासिल करते हैं। चलिए धीरे धीरे जो एक्सरसाइज करवाई जा रही है बच्चे उसका साथ दें और उसको समझे भी। आप एक्सरसाइज करोगे और दिमाग में रखोगे कि किस तरह के वार्म अप किया जा रहा है, तो वो जब ये क्लासेस नहीं होगी तब भी आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं मेन एक्टिविटी के लिए। वार्म अप आपको धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाएगा, मानसिक और शारीरिक रूप से जो एक्टिविटी आप करने जा रहे हैं उसको तैयार करने में मदद करेगा और फिर आप जो एक्टिविटी करेंगे उसको अच्छी तरह कर सकते हैं, चोटों को बचा सकते हैं। अगर आप अच्छी तरह वार्म अप नहीं करेंगे तो चोट लगने का खतरा है और आप मानसिक और शारीरिक रूप से भी तैयार नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए सभी बच्चे उसको करें और ये भी ध्यान रखें कि करवाया कैसे जा रहा है, क्या क्या करवाया जा रहा है। देखिए प्रॉपर जनरल वार्म अप सभी बच्चों को करना चाहिए, हर स्पोर्ट्स में वार्म अप जरूरी है। बिना वार्म अप आप अपनी आगे फिटनेस लेवल बढ़ाना सबसे पहले, और उसके साथ साथ हमें रेसलिंग टेक्निक के से पहले हमें अपने लिए फिटनेस लेवल को बढ़ाना बहुत जरूरी है। जब तक बच्चा पूरी तरह फिट नहीं हो तब तक वो पूरी तरह से अपनी अच्छी टेक्निक नहीं सीख सकता, उसका बॉडी बैलेंस भी नहीं होता। कोऑर्डिनेशन और बॉडी बैलेंस बहुत जरूरी है रेसलिंग में। विश्व मनी अखाड़ा, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चे। लगभग 10 से 15 मिनट अखबारों में लेते हैं असिस्टेंट कोच भवाना, ये बच्चे कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। रोहित देहरा सिंह, अजय शर्मा रेसलिंग कोच एकेडमी राजस्थान, ये बार बार स्क्रीन के पास ना आए और जो वार्म अप का प्रोसेस करवाया जा रहा है द्रोणाचार्य अवार्ड श्री महावीर सिंह के द्वारा उसको फॉलो करें और जो जो वो डायरेक्शन दे रहे हैं उसको भी ध्यान से सुने। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आप समझ के उस चीज को करेंगे तो वो आपको फायदा होगा लंबे समय तक। दूसरे पांव, बोथ लेग, बोथ लेग, नेक, साइड, दूसरी साइड। ये भारतीय खेल प्राधिकरण सोनीपत का रेसलिंग हॉल, वर्ल्ड क्लास रेसलिंग हॉल, ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक के नाम पर है और चेंज करते हुए इस नाम पर हमने ये हॉल को रखा है। कभी राइट, कभी लेग, कभी आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे और एक एम लेके चलेंगे तो कोई ताकत आपको मेडल जीतने से नहीं रोक सकती। तो आप एक धैर्य बना के रखें, जैसे साक्षी मलिक ने बताया कि अगर आप लगातार मेहनत करेंगे एक एम ले को चलेंगे तो आप सर्टेनली आप अपने एम को पाएंगे। तो ऐसी पवित्र धरती जहां से हम ग्रास रूट लेवल का जो मैसेज है वो हम स्प्रेड कर रहे हैं और उसको आप
पूरी कमर से देखें और अपने जीवन में अपनाएं। अभी वार्म अप का प्रोसेस चल रहा है, मैं एक बहुत बड़े खिलाड़ी की बात बताता हूं, वो बहुत अच्छे खिलाड़ी के साथ साथ में बहुत हाई लेवल के कोच भी रहे। उनसे किसी ने पूछा कि आप इतने मेडल जीते हैं, आपने ओलंपिक्स लेवल में भाग लिया है, उसका राज क्या है? तो बहुत पुराने खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने बड़े सरल भाषा में ऐसा सूत्र दे दिया जो बहुत बड़ी बड़ी किताबों में आपको नहीं मिलेगा। उन्होंने सिंपल ये कहा, देखो डेली हम उठते हैं, नित्य कर्म करते हैं, फिर खाना खाते हैं, उसी प्रोसेस के तहत एक ट्रेनिंग को और जो अभ्यास है उसको हमने लाइफ में एक भाग बना लिया और जिंदगी में मजे लेके करते रहे। तो जिस काम को आप मजे लेके करते रहोगे उसमें आप पारंगत हो जाओगे। कहता और कोई उस वक्त साइंस नहीं थी, कोई और कोई इस तरह का मोटिवेशन नहीं था, बस ये था कि इसमें मजा आया और हमने रोज करना है। तो रोज वो एक्टिविटी करोगे उसमें आप वैसे ही एक्सपर्ट हो जाओगे। जैसा कि ब्रूस ली ने बोला है, बहुत तगड़ा कराटे का खिलाड़ी रहा है, उन्होंने बोला है कि मैं बहुत काम नहीं करता हूँ लेकिन एक काम को हजारों बार करता हूँ। तो एक काम को जब हजारों बार करूंगा तो सर्टेनली उसमें मैं पारंगत हो जाऊंगा, और जो लोग 500 बार करेंगे वो तो 500 मेरे से नीचे ही रहेंगे ना। तो हजार बार जो करेगा और टैलेंट आपके पास होगा तो आप उसमें उस एरिया में सुप्रीम हो जाओगे। तो अभी आप फिर वार्म अप एक्सरसाइज देखते रहे, करिए, शाबाश शाबाश, प्रॉपर पूरे शरीर के पार्ट हमारे इन्वॉल्व होने चाहिए वार्म अप में, किसी भी पार्ट को हमें छोड़ना नहीं है। और स्टैंडिंग वार्म अप के बाद ब्रिजिंग करेंगे, का आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अल्टरनेट क्रॉस दूसरी साइड, थ्री फोर ऊपर, वन टू थ्री फोर ऊपर, पूरा स्ट्रेच होने दो साइड। स्टैंडिंग वार्म के बाद ब्रिजिंग कराएंगे, पूरे प्रॉपर सामने ब्रिज जंप के साथ, क्योंकि ब्रिज रेसलिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे की गर्दन स्ट्रेंथ प्रॉपर होनी चाहिए, इसलिए ब्रिज बहुत जरूरी है। रेसलिंग में सभी बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि धीरे धीरे नेक स्ट्रेंथ हमारे रेसलिंग में बहुत ज़्यादा जरूरत होती है और इंजरी भी सबसे ज़्यादा नेक गर्दन में लगती है रेसलिंग में, इसलिए ब्रिजिंग के द्वारा हर तरह से ब्रिजिंग और उसके द्वारा गर्दन की स्ट्रेंथ बढ़ानी है हमें, ताकि हमें रेसलिंग में उसका बहुत ज्यादा फायदा मिल सके। यस, अब इसके बाद ब्रिजिंग करेंगे, ब्रिजिंग के बाद फिर हम बच्चों के कोऑर्डिनेशन के लिए फ्रंट रूल और बैक रूल भी करेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी स्टांस पर रहेंगे। स्टांस ग्रिप फॉर्मेशन में भी कैसे होने चाहिए, फ्री स्टाइल में भी स्टांस पर प्रॉपर वर्क करेंगे। बच्चे स्टार्टिंग में स्टांस पर पूरा ध्यान नहीं देते, इसलिए हमारी रेसलिंग जितनी ऊपर जानी चाहिए उतनी ऊपर नहीं जा पाती। इसलिए देखिए ब्रिज में पहले फ्रंट पर गर्दन को आगे पीछे पूरा स्ट्रेच होने दो,
इसमें झटका नहीं मारना है, सोलो सोलो आगे सोलो पीछे, फिर साइड साइड फिर सर्कल, प्रॉपर इसको झटका नहीं लगने देना है, इजी वे में करना है पूरी उसके साथ। और उसके बाद घुटने उठा लेने हैं गर्दन पे, पूरा स्ट्रेंथ भी अभी ये इसमें स्ट्रेंथ इन्वॉल्व हो गई है। और ये चार बार साइड, एक साइड चार बार, दूसरी साइड आगे पीछे, फिर सर्कल चार बार उधर और चार बार लेफ्ट चार बार राइट। बैठ जाएंगे प्रॉपर, गर्दन मल लेंगे, थोड़ा रेस्ट देंगे गर्दन मल के, उसको पूरा आराम देंगे और फिर आगे जंप करेंगे। जंप करेंगे चार बार उसको ऊपर, आगे पीछे करेंगे। यस, प्रॉपर जंप आगे पीछे, पूरा कोशिश करो, माथा लगाने की कोशिश करनी है, एडी और माथा पूरा नाक टच करने की कोशिश करनी है। सबसे बेस्ट होती है जब नाक टच हो जाता है, इससे ये रेसलिंग की एक्सरसाइज है। इसके बाद क्रॉस साइड, थोड़ा साइड जाएंगे, साइड जाएंगे दोनों साइड, ये रेसलिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, इसको पूरा ध्यान दें। हमें रेसलिंग में हर मोमेंट पे ये इन्वॉल्व होते रहते हैं। ये बच्चे थोड़ा ग्राउंड पे ध्यान से करें, अपने बेड पर कर सकते हैं ऐसी कोई। चलो जंप करके एक साइड से टर्न करना है, चार बार उस साइड से, चार बार दूसरी साइड से। जंप के साथ ऐसे कर रहे हो, और जैसा कि अभी वार्म अप प्रोसेस में इन्होंने बताया, एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि शरीर में जितने जो इम्पोर्टेंट ज्वाइंट्स है, उन ज्वाइंट्स को के साथ साथ में तो जुड़ी हुई मसल्स को ये धीरे धीरे तैयार करते जा रहे हैं, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन उसमें बढ़े और उसमें गर्मी बढ़े, जिसके कारण रेसलिंग एक खासकर फ्री स्टाइल में कोई पर्टिकुलर मूवमेंट नहीं है, और उसमें आप कभी लेफ्ट राइट, कभी फॉरवर्ड, कभी बैकवर्ड, कभी गर्दन, तो आपकी जो हर ज्वाइंट है वो तैयार होना चाहिए, जिसके कारण आप उस ज्वाइंट से ज्यादा फोर्स जनरेट कर पाए और ओपोजिशन के साथ आप लोहा ले पाए। ये अंश बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, गुड शाबाश। चलो ये देखते रहो और पूरी ये पॉइंट नोट करिए, बहुत बढ़िया। ये हैंड पर हैंड स्टैंड हो जाएगा, बहुत अच्छा। इसमें पूरे शरीर के पार्ट इन्वॉल्व होता है, पूरा ऊपर ऊपर शाबाश। जितना अच्छा ऊपर जाएंगे वो हमें उतना ही अच्छा इसका बेनिफिट मिलता है रेसलिंग में। बहुत से पॉइंट ऐसे आते हैं जहाँ हमारी इनकी जरूरत पड़ती है। गुड शाबाश, ये बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, गुड शाबाश। चलिए रोलिंग कर लेंगे, शाबाश। ये स्टैंडिंग बिल्ड से पूरा जैसे शाम को है, साल हमारे डॉक्टर हैं, और देखो डॉक्टर भी, फिजियोथेरेपिस्ट भी, न्यूट्रिशन भी, जो सभी स्पोर्ट्स साइंस और जो कुश्ती के प्रशिक्षक, सभी से मिलके हम एक खिलाड़ी को तराशते हैं और सभी इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। फ्रंट टूल करेंगे अब, ये हमारे रेसलिंग का एक बॉडी कोऑर्डिनेशन के लिए रोलिंग है, फ्रंट रोल वो जरूरी है, वो करेंगे अब। उसके बाद बैक रोल करेंगे, ये भी हमें डेली प्रोग्राम में शामिल करना चाहिए, फ्रंट रोल बैक रोल, क्योंकि रेसलिंग में कभी कोई भी टेक्निक और कुछ लगती है तो चक्कर आने की संभावना रहती है, तो इसलिए फ्रंट टूल का हमारे रेसलिंग में रोज इन्वॉल्व करना जरूरी है। चलिए फ्रंट और ये गैलेक्सी C9, इन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन बहुत अच्छी तरह आने वाले समय में ऐसे बच्चे ही साक्षी मलिक बनेंगे, बोगार्ट सिस्टर्स बनेंगी और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से अब एक बैक रोल, इच्छा शक्ति ये बच्चे लेके जाएंगे, एक विजन लेके जाएंगे बैक रोल, और वो जो मेहनत है वो इनको मुकाम पर पहुंचाएगी। गुड शाबाश, बैक रोल थ्री टाइम, बहुत बढ़िया तनु, वो एक्सरसाइज करो जो वार अप में वो सब करवा रहे हैं, इन एक्सरसाइज का साथ दें। काफी जो मुश्किल एक्सरसाइज है जिसको आप नहीं कर पा रहे उसको थोड़ा सा कम तरीके से कर सकते हो आप। ये बच्चे देखे ज्यादा नोट करें, इसको धीरे धीरे, एक दिन में सही नहीं हो सकता, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। आप इस चीज को सीखेंगे किंतु उसके लिए टाइम लगता है। अभी आप में कोऑर्डिनेशन है, फिटनेस लेवल है, वो आएगा धीरे धीरे। ये चीजें एक दिन में ठीक नहीं होती, इसके ठीक होने में टाइम लगता है। चलिए
हैंड स्टैंड बैक रोल में हैंड हाथों पे। अब हम देखेंगे स्टांस पर, एक और रोल होने के बाद हम रेसलिंग स्टांस जो सबसे इम्पोर्टेंट है उस पर वर्क करेंगे। अब सभी बच्चे नोट करें, ध्यान रखें, जो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा है वो रेसलिंग स्टांस है, और बच्चों में रेसलिंग स्टांस है वो स्टार्टिंग लेवल पर उनको अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाती किसी कारणवश, तो उनका स्टांस अच्छा डेवलप नहीं होता। और बच्चे, मैंने बहुत जगह बच्चे के आप जो बाद में पुराने हो जाते हैं उसके बाद उसको चेंज करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग ए बी सी डी जिसको बोलते हैं वो हमारे रेसलिंग का स्टांस है। उस स्टांस में हमें सीधा वर्क ये करना है कि पहले बच्चों में जो कमियां रही है वो बच्चे आगे ज्यादा झुक जाते हैं या गर्दन से नीचे देखते हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट है जो फ्रंट सामने देखना है। दूसरी बात, देखिए प्रॉपर स्टांस, ये देखिए प्रॉपर स्टांस, घुटने बैंड होने चाहिए, कमर सीधी होनी चाहिए, थोड़ा आगे बैंड, किंतु कमर पूरा हमारा बैलेंस, दोनों पांव पर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो इस स्टांस को फ्री स्टाइल में स्टार्टिंग स्टांस ये है बच्चे का, और इसमें बच्चे को ये ध्यान देना चाहिए फ्रंट, कभी लेफ्ट लोग आगे ले सकते हो, कभी राइट, और दोनों तीन तरह के स्टांस है। आप लेफ्ट लेग को आगे रखो उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए, राइट लेग को भी आगे रख के प्रैक्टिस कीजिए, और दोनों लेग से भी प्रैक्टिस कीजिए, क्यों हमें अपोनेंट किसी भी तरह का मिल सकता है। जैसे कोरियन जापानी पहलवान है वो पैरेलल स्टांस पर लड़ते हैं और लो स्टांस रखते हैं, तो उसके साथ हमें उस तरीके से खेलना है कि हम उसको जीत सके। तो अपोनेंट को देखते हुए हमें उस स्टांस को, अपने स्टांस को चेंज करने की, जब हम प्रैक्टिस करेंगे हर स्टांस पर तो हमारे में वो एबिलिटी होगी कि अपोनेंट के हिसाब से हम अपना स्टांस चेंज करके उस पर अच्छा पड़ सके, उसको जीत सके। तो इसलिए आज पहले हम राइट स्टांस पर थोड़ा वर्क करेंगे, चलते रहेंगे, फ्रंट चलेंगे, और इसमें मेन ध्यान रखने वाली बातें हैं कि स्टांस पर हम आगे पीछे चलेंगे तो पांव से पांव नहीं टकराना चाहिए। देखिए पांव का डिस्टेंस है वो उतना ही रहना चाहिए, ये हमारी मेरा स्टांस है, ये लो स्टांस हो गया, ये मिडिल हो गया, और ये अपर स्टांस हो गया। तो देखिए पांव दोनों का पैरेलल गैप रहना चाहिए, बिल्कुल ऐसे नहीं आना है, आगे पीछे नहीं करना है। तो जैसे आगे स्टांस है ऐसे ही स्टांस पर एक बार आगे आएंगे फिर पीछे जाएंगे। चलिए राइट स्टांस आगे रखेंगे, एक बार राइट स्टांस पर वर्क करेंगे, गुड, शाबाश, प्रॉपर पीछे आगे पीछे, थोड़ा दाएं बाएं भी हो सकते हैं। यस, प्रॉपर स्टांस ये है कि हमारी कमर सीधी होनी चाहिए, कमर पीछे से नहीं झुकी होनी चाहिए, कमर का बहुत अच्छा रोल है, नी बैंड जरूर स्टार्टिंग में उनका नी सीधा होता है और वो स्टांस डेवलप हो जाता है, बाद में चेंज करने में काफी दिक्कत होती है और वो प्रॉपर अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो दूसरे लेग पर, अब दूसरे लेग पर स्टांस, यस, गुड गुड, ये पांव को गैप, थोड़ा पांव का गैप बराबर ही रखना है, ज्यादा क्लोज पांव नहीं आने चाहिए, क्यों काउंटर अटैक हो जाता है जब हमारे पैर बराबर आगे तो अपोनेंट उसी टाइम अटैक करके हमें गिरा सकता है। तो पूरा घुटने बैंड और पूरा बैलेंस के साथ हमें आगे पीछे साइड, यस, गुड, अच्छे कर रहे हैं बच्चे, पर बच्चे करने की बजाय ध्यान दे, नोट करें, उनको बाद में प्रैक्टिस बाद में भी आप कर सकते हो, किंतु यहाँ चीज प्रॉपर देखिए स्टांस, अपना स्टांस देख कर चलिए। अब दोनों स्टांस से आगे चल सकते हैं, दोनों स्टांस यस, पैरेलल स्टांस, ये पैरेलल स्टांस है, स्टैंडिंग, रिलैक्स, 2 मिनट का रेस्ट है पानी पूरी पीने के लिए, बच्चे आराम करें। एक बार 15-20 मिनट के बाद हर बच्चे ये ध्यान रखे कि अपने साथ कुछ कुछ पीने के लिए पानी है, जूस है, या कोई भी चीज जरूर लिक्विड साथ रखे पीने के लिए। बच्चा ट्रेनिंग के दौरान कुछ जरूर पिएगा तो उसका उसको बेनिफिट मिलेगा, ट्रेनिंग ज्यादा लंबे टाइम तक वो कर सकता है और उसको एनर्जी मिलती रहेगी। तो हर बच्चा अपना पर्सनल टॉवल, बोतल अपनी, पानी है या जो भी दूसरे लिक्विड है अपना पीने के लिए जरूर रखें। तो अब पहले हमने ये स्टांस, केवल ये देखा कि स्टांस कैसे खड़े होना है रेसलिंग में,
वो अब हम बात करेंगे लो स्टांस कैसे है, मिडिल स्टांस कौन सा होता है और हाई स्टांस। हाई स्टांस हमारे सामने अपोनेंट लंबा अपोनेंट आ जाता है तो हमें हाई स्टांस से लड़ना पड़ता है। अगर छोटी हाइट का कोई आ जाता है अपोनेंट हमारा तो उसके साथ हमें लो स्टांस से लड़ना पड़ता है। तो बच्चे को हर स्टांस पर ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है ताकि अपोनेंट के हिसाब से वो अपना आप को तैयार कर सके। इसलिए अब लो स्टांस पर वर्क करेंगे, उसके बाद मिडिल स्टांस, फिर हाई स्टांस, उसके बाद फिर हम ग्रीको-रोमन के भी स्टांस देंगे। ग्रीको-रोमन में जो कैसे हमें खड़ा रहना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, लड़ना है, तो पहले अब लो स्टांस पर चलेंगे, वहां तक जाएंगे आएंगे। चलिए, हाँ, लो स्टांस में ये है, रहना वैसे ही है, घुटना ज्यादा बेंड कर लेंगे और कमर सीधी, सामने नजर, नीचे कभी नहीं देखना है, हमें फ्रंट देखना है, अपोनेंट की नजरों में नजर मिलनी होनी चाहिए। तो यस, और ये लो स्टांस से हम जापान कोरिया के छोटी हाइट के पहलवान होते हैं तो उनके साथ हम लो स्टांस में लड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। फॉरेन एक्सपर्ट है जॉर्जिया से मिस्टर टेमो, मिडिल स्टांस पे वर्क, मिडिल स्टांस, और भारतीय ग्रीको रोमन टीम के साथ में ये जुड़े हुए हैं और अपने एक्सपर्ट, ये हमारा मिडिल स्टांस है तो अपोनेंट हमारा अगर मिडिल हाइट का होता है तो उसके साथ उसकी लेंथ के हिसाब से हम अपना स्टांस चेंज करते हैं। और हमें हर स्टांस पर ट्रेनिंग करनी चाहिए, अलग अलग जगह से कुश्ती प्रेमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब हाई स्टांस हाइट, लंबी हाइट का बच्चा कोई मिलता है तो उसके साथ हमें हाई स्टांस से भी लड़ना चाहिए। देखिए, हमें घुटना बेंड जरूर होना चाहिए थोड़ा, और ये है हमारा हाई स्टांस। तीन तरह के हमारे स्टांस हो गए हैं फ्री स्टाइल में, तो उसमें मैंने बता दिया है पैतरा, राइट भी आगे रख सकते हो, लेफ्ट भी रखना चाहिए और मिडल भी। तीनों तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है, किसी भी तरह से आप किसी तरह के कमजोर नहीं होना। अब मैं आप अभी एक मिनट और रेस्ट होगा, उसके बाद ग्रीको-रोमन स्टांस पर हम बात करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ग्रीको-रोमन फ्री स्टाइल से टोटली डिफरेंस है। फ्री स्टाइल में लेग अटैक होते हैं मैक्सिमम, ग्रीको-रोमन में आप लेग में अटैक नहीं कर सकते, केवल आप अपर पार्ट का यूज करते हैं। इसको हम यूरोपियन स्टाइल इसलिए कहते हैं, वो यूरोप में ज्यादा लोकप्रिय है, वहां ज्यादा लड़ी जाती है, किंतु हमारे इंडिया में भी ग्रीको-रोमन में भी हमने वर्ल्ड में मेडल जीते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी ढेरों मेडल जीते हैं, तो ग्रीको-रोमन में भी हमारे देश में बहुत सारी संभावनाएं हैं। किंतु ग्रीको-रोमन का हमारा बेस अच्छा नहीं बनता, स्थान अच्छा नहीं होता, इसलिए हम इंटरेस्ट लेवल पर काफी हमें दिक्कत आती है। तो मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ग्रीको-रोमन में भी आप अपोनेंट अगर ठीक है, ये होता है स्टांस, हाई स्टांस बोलते हैं, अपोनेंट के सामने काख बंद होनी चाहिए, काख खुली नहीं होनी चाहिए, आधा ही पार्ट यूज होता है, और ग्रीको-रोमन में ये हाई स्टांस होता है और इसमें काख बंद और स्टैंडिंग पोजिशन ही होती है। अगर ग्रीको-रोमन में भी हमें अपोनेंट छोटी हाइट का मिलता है तो ग्रीको-रोमन में भी हम लो स्टांस कर सकते हैं, उसमें कमर हमारी स्ट्रेट रहनी चाहिए, सीधी रहनी चाहिए। देखिए, ग्रीको-रोमन में अगर हमें छोटी हाइट का मिल जाता है तो हम देखिए इसमें सीधा है, फ्री स्टाइल में हमें ये रहना पड़ता है थोड़ा पूरा बैलेंस के साथ, और ग्रीको-रोमन में हमें लेग आगे रखनी है, तो ये तो ग्रीको-रोमन का होगा मेन स्टांस, हाई स्टांस। किंतु ग्रीको-रोमन में अपोनेंट छोटा आ जाता है तो उसको हम लो स्टांस करके भी लड़ सकते हैं। ग्रीको-रोमन में भी हम लेफ्ट लेग आगे रख सकते हैं, राइट लग सकते हैं, अपोनेंट से फायदा लेने के लिए हमें अपना स्टांस चेंज करना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है जो आज बताया जा रहा है बच्चों के लिए, स्टांस अगर बच्चे ने सीख लिया और सही स्टांस पर वर्क करता है तो आप कोई भी टेक्निक प्रैक्टिस करोगे आपको उसमें बहुत फायदा मिलेगा, और उसमें इजी वे में अच्छा आप कर सकते हो, और आने वाले टाइम रेसलिंग में आप उसको बहुत ज्यादा अच्छा फायदा ले सकते हो। तो अब थोड़ा रेस्ट होगा, उसके बाद हम ग्रीको-रोमन के स्टांस की प्रैक्टिस करेंगे, तीन दो दो बार जाएंगे, दो दो बार आएंगे, अब स्टांस से ग्रीको-रोमन के स्टांस में जाएंगे फिर वापस आएंगे। चलिए स्टार्ट। ग्रीको-रोमन में काख बंद रखी जाती है क्योंकि अपोनेंट डायरेक्ट, और दूसरी बात ग्रीको-रोमन में है ग्रिपिंग होती है, हैंड हाथों की पावर, और दूसरी बात फिर रेसलिंग में बच्चों को चाहिए कि वो रस्सा चढ़ना,
चिन अप मेन एक्सरसाइज है आपको कंडीशनिंग तौर पे फिट होने के लिए प्रैक्टिस के बाद रस्सा चिन अप और ये करनी बहुत जरूरी है। चलो एक बार और करेंगे, अप स्टैंड से जाएंगे। यस, इसमें हमें क्योंकि लेग पकड़ नहीं सकता अपोनेंट, तो लेग को हमें लीड करते हुए चलना है, पांव को चाहे कोई लेफ्ट लेग भी आगे रख सकते हैं, राइट भी रख सकते हैं, कुछ पहलवान है जिस तो ऐसे फ्रंट दोनों लेग रख के भी हम कर सकते हैं। अब हम लॉस्ट आर्म्स पे भी ग्रीको रोमन में थोड़ा कर सकते हैं, अपोनेंट के साइड के आ जाते हैं तो उसमें हम लॉस्ट आर्म्स में ये है हम घुटना बैंड कर सकते हैं, कमर हमारी स्ट्रेट ही रहेगी, घुटना बैंड करके हम लो स्टांस से भी ग्रीको रोमन लड़ सकते हैं, क्यों हम अगले से थोड़ा नीचे होके लड़ेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ उससे ज्यादा हो जाएगी, तो लो स्टांस में भी एक बार जाएंगे और फिर सिर्फ हाँ घुटने बैंड, पांव आगे रखा जाएगा, पूरी स्ट्रेंथ हमारी पटों में होती है, पांव से स्ट्रेंथ लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे ताकि अपोनेंट से हम पीछे नहीं हटे। पैसिविटी से बचने के लिए हमें अपना स्टांस कई बार नीचे लो करना पड़ता है अपोनेंट की हाइट के हिसाब से, तो इसलिए लो स्टांस भी एक बार उड़ जाइए लो स्टांस। तो ध्यान रखें ग्रीको रोमन को आप स्टार्टिंग में अगर अपनाते हो तो इन चीजों पर आपको वर्क करना जरूरी है। और दूसरी बात, 8 से 12 साल के बच्चों के लिए जरूरी है कि वो अपनी कंडीशनिंग में ये ब्रिजिंग, बॉलिंग, पिन अप और रस्सा ये ट्रेनिंग आप प्रैक्टिस खत्म होने के बाद भी कर रहे हैं। जैसा कि मैं पिछले 20 साल से देखता रहा हूँ सुशील योगेश्वर को, मैंने देखा है ट्रेनिंग के बाद वो एक एक घंटे अपनी टेक्निक प्रैक्टिस और रस्सा और ये चीजें एक्स्ट्रा ट्रेनिंग जो बच्चा करेगा वही आगे बढ़ेगा। तो प्रैक्टिस जो चलो एक बार और लॉस्ट आर्म से प्रैक्टिस करके दिखाएंगे सभी खिलाड़ी, जो डायरेक्शन दी जा रही है उसको ध्यान से देखें और समझ के करें, और बच्चे अपने ट्रेनिंग सेशन के बाद डायरी मेंटेन करें और उसमें लिखें, आप उसको भूलेंगे नहीं, अदरवाइज दो चार दिन के बाद कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उसको आप भूल जाएंगे। तो सभी जो छोटे बच्चे हैं तो उसको मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो अपनी डायरी मेंटेन करें और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डेली जो आप क्लास अटेंड कर रहे हैं उसको लिखें। जैसा कि बताया मैंने कि आज केवल हमने स्टांस पर वर्क किया है, इसको हमने रेसलिंग का मेन ABCD है ये, इस पर हमने अच्छी तरह से वर्क करना है, उसके बाद कंडीशनिंग तौर पर बच्चे को फिट होने के लिए जो कुछ एक्सरसाइज बताई वो करनी है और बाकी हम कल करेंगे, आज हमारा टाइम यही पूरा होता है। अब आपको डाइटिशियन डाइट के बारे में प्रॉपर, क्योंकि स्पोर्ट्स के साथ साथ खान पान और इसी के बारे में भी पहले बताया गया है, अब डाइट के बारे में आपको बताया जाएगा, उस चीज को भी बहुत ध्यान से देखना जरूरी है क्योंकि स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग के साथ साथ ये चीजें बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। धन्यवाद, नमस्कार। और ये आज का जो बेसिक स्टांस का सेशन खत्म हुआ, स्टांस बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि लेग्स में आप जितनी स्टेबिलिटी रहेगी उतना ही आप बाकी बैलेंस अपनी बॉडी से बना पाएंगे और टैकल कर पाएंगे ओपोनेंट को। इसी के साथ मैं न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट के लेसन के ऊपर अगले लेसन के लिए डॉक्टर लखविंदर को इनवाइट करता हूं कि सभी छोटे पहलवान और बाकी सभी इनको ध्यानपूर्वक समझें और जैसा मैंने बताया है अपने डायरी में भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करें, आपको भविष्य में काम आएंगे। डॉक्टर लखविंदर नमस्कार, आप सबको एक बार फिर आप सबका स्वागत है पोषण की क्लास में युवा पहलवानों के लिए। हमने अभी तक बात की थी कि एक प्लेट हेल्दी प्लेट, अगर लास्ट क्लास की हम बात करें, हमने पोषक तत्वों के बारे में जाना, एक हेल्दी प्लेट के बारे में जाना कि एक हेल्दी प्लेट पोषक प्लेट क्या होती है। आज हम जानेंगे कि आप उस पोषक प्लेट में किस किस टाइप के खाने आप डाल सकते हैं। आज हम बात
करेंगे कि आपकी एक बैलेंस लोशन प्लेस के अंदर कौन सी डाइट होनी चाहिए, कौन कौन से भोजन होने चाहिए ताकि जो प्लेट आपकी बैलेंस डाइट की तरह बने। अगर जैसे आप देख पा रहे हैं ये आपके युवा पहलवानों के पोषण की क्लास है और इससे हम अपनी एबिलिटी, अपनी जो स्ट्रेंथ है या एजिलिटी है उसको बढ़ा सकते हैं, स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो जैसे हमने बताया कि एक पोषण और या एक बैलेंस डाइट बहुत ही आवश्यक है किसी भी पहलवान की डाइट में, तो उसकी डाइट में सारे पोषक तत्व होने चाहिए जो हमने सबसे पहली क्लास में 6 पोषक तत्वों के बारे में बताया था। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और पानी जिसको वाटर कहते हैं वो आता है। अगर आप अब स्लाइड पे देखें तो यहाँ पे आपको एक पिरामिड जिसको डाइट और कल्याण पिरामिड कहा गया है ये दिखाया जा रहा है। इसकी क्या शेप है, ये एक त्रिकोण की शेप में है इसीलिए इसको पिरामिड कहा है। अगर आप देखें तो इस त्रिकोण को हमने 5 भागों में बांटा है। तो त्रिकोण में जैसे जैसे त्रिकोण ऊपर जा रहा है वैसे वैसे उसकी जो विड्थ है वो कम होती जा रही है। इसका मतलब जो सबसे ऊपर फूड जो दिया हुआ है, जो भी भोजन भोज्य पदार्थ जो सबसे टॉप पे दिए गए हैं इस त्रिकोण के, उनको उनकी क्वांटिटी हमेशा डाइट में कम रखनी चाहिए, जबकि जो बेस पे दिया गया है उसकी क्वांटिटी हमेशा सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अगर हम त्रिकोण के बेस में देखें तो क्या है इसमें सबसे ज्यादा हमारे पास आ रहा है, पानी और व्यायाम। इसका मतलब हमारा जीवन और युवा पहलवानों के लिए बहुत ही आवश्यक है कि वो हाइड्रेटिक रहे, जल योजन होता रहे सारा दिन और व्यायाम साथ साथ करते रहे, क्योंकि अगर व्यायाम नहीं करेंगे तो ये जल योजन का कुछ महत्व नहीं रह सकता, क्योंकि उनको वेट कंट्रोल करने के लिए हमेशा जल योजन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो यह बहुत जरूरी है। तो अपनी डाइट में सबसे ज्यादा जल योजन का ध्यान रखें और निरंतर व्यायाम करते रहें। अगर आप पिरामिड में त्रिकोण में ऊपर चलेंगे तो उसके बाद वाली जो लाइन है वो किस चीज की है, वो है फलों की, सब्जियों की, साबुत अनाजों की और स्वस्थ वसा और तेलों की। अगर मैं फल सब्जियों की बात करूं तो उनका सबसे बड़ा भाग जो है वो क्या देता है, वो देता है एंटीऑक्सीडेंट। तो अगर हमारे युवा पहलवान फल सब्जी नहीं खाएंगे तो उनकी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाएगा। यही एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं कि ऑक्सीजन पहुंचाते हैं आपके हर सेल में, पूरी बॉडी के अंदर। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है खाना। फिर हम आते हैं स्वस्थ वसा। अब इनमें क्या क्या आता है, स्वस्थ वसा में आता है आपका देसी घी, रिफाइंड ऑयल, जितने भी आपके परिचित तेल है उनसे उसका आप नहीं खाएं तो ही बेहतर है, क्योंकि बहुत बारी वो धमनियों में, जो हमारी धमनियां होती है रक्त धमनियां, उनमें जाकर जम जाता है। तो इसके लिए आप देसी घी खा सकते हैं, या इसके लिए आप मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल होता है वह ले सकते हैं, जैतून के तेल का सेवन कर सकते हैं, चावल की भूसी, राइस ब्रैन ऑयल के तेलों को ले सकते हैं। मगर एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये सारे तेल या ये सारे वसा जो है ये ठंडे दबाए हुए तेल हो, इनमें हाई टेम्परेचर का यूज नहीं हो, क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर का यूज होगा तो वह जो है ट्रांस फैट में बदल जाएंगे और आपकी धमनियों में जाके जम जाएंगे। फिर है साबुत अनाज। साबुत अनाज में क्या क्या आता है, गेहूं है जिसमें ब्रान रहता है, ब्राउन राइस है जिसके ऊपर एक आपकी भूरी परत रहती है, वह हाई फाइबर है और इसमें बी विटामिन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा जई है, जो हमारे गांव के जो हमारे पहलवान हैं वो जानते होंगे, बहुत सब जगह पाई जाती है, बड़े आराम से खा सकते हैं। जई या बार्ले जो है, इसमें बार्ले वाटर बना के हाइड्रेशन के लिए, जल योजन के लिए पिया जाता है। तो रात को जई को आप एक गिलास पानी दे, 2 चम्मच जई को भिगो दे और सुबह उठ के जई को हटा के उस पानी को पी ले, तो इससे अच्छा हाइड्रेशन ड्रिंक आपका नहीं हो सकता है। तो इसलिए साबुत अनाजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब आते हैं हम तीसरे चरण पे। अब हमारा पिरामिड और छोटा हो गया है, अगर आप देखें ये त्रिकोण छोटा होता जा रहा है। तो अब नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट है हमारा, तीसरा चरण है, उसमें आते हैं मछली, मुर्गी,
या अंडे, दैट मीन्स नॉन वेजिटेरियन फूड, और बीज जितने भी सीड्स हैं वो सब इसके अंदर तीसरे चरण में आ रहे हैं। इसका मतलब हमको अपनी डाइट में इन चीजों को बहुत ज्यादा मात्रा में लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरा दिन में एक बारी या लंच में या डिनर में भी खाते हैं तो युवा पहलवानों में उनकी जो डाइट है वो भरपूर है इतने प्रोटीन खाने के बाद, क्योंकि ये प्रोटीन का बहुत गहरा सोर्स होता है। इसी तरह नट्स या बीज जो है, जैसे हमारे सीसम के बीज है या हमारे पंपकिन सीड्स है या फ्लैक्स सीड्स है, इन सब में बहुत अधिक मात्रा में फाइबर पाया जाता है और बहुत अधिक मात्रा में विटामिन्स होते हैं। तो जितना आप फाइबर ज्यादा देंगे उतना ही आपको कभी भी डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सुबह आप फ्रेश रहेंगे ताकि आप ज्यादा खेल पाए, अपनी एनर्जी ज्यादा दे पाए। अब देखिए, अब हम सेकेंड चरण पे आ रहे हैं। हमारा जो चौथा चरण है वो है कम वसा वाले डेयरी। अब आप देखिए त्रिकोण और छोटा हो गया है, ये पिरामिड और छोटा है। इसका मतलब जब हम वसा की बात कर रहे हैं, कम वसा वाले डेयरी प्रोडक्ट्स को लेना हमारी डाइट में जरूरी है। हम कम वसा वाले क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम होल मिल्क की बात करते हैं, कई लोग कह रहे हैं कि हमको पूरे होल मिल्क लेना है या फुल क्रीम दूध ही जरूरी है, ऐसा नहीं है। हम कम वसा वाली चीजें खाएं तो वो भी ठीक रहती है। एक और चीज जो हमारे युवा पहलवानों को बहुत ज्यादा दिमाग में रहती है कि वो उनको बादाम का दूध पीना है, बहुत बढ़िया है। अगर आप दूध नहीं ले रहे तो आप बादाम का दूध लीजिए, अगर आप बादाम का दूध नहीं ले पा रहे तो आप कोकोनट मिल्क पीजिए। जो हमारे साउथ के रेसलर्स हैं उनके लिए कोकोनट मिल्क भी बहुत बढ़िया रहेगा डाइट में, तो उनमें वसा की मात्रा भी कम है और उसमें एनर्जी भरपूर है, तो आपको पूरा दिन के लिए एनर्जी मिलेगी। पूरा दिन में एक बारी बादाम का मिल्क पीना बहुत जरूरी। अब देखें त्रिकोण का टॉप आ गया है तो कितना छोटा हो गया। इसका मतलब जो टॉप पे पदार्थ दिए गए हैं, क्या दिया गया है, चॉकलेट, जितने भी मीठे पदार्थ हैं या चिप्स, जितने भी फ्राइड पदार्थ हैं, इन सबको कम से कम मात्रा में लेना है। क्यों? क्योंकि ये आपकी एफिशिएंसी या जो स्पीड है उसको कम कर देता है। अगर ये आपको स्पीड कम नहीं कर देगा तो आप पे भरपूर एनर्जी नहीं रहेगी अपने ट्रेनिंग सेशंस में काम करने के लिए। अच्छा, अब ये हुई पिरामिड की बात, अब कुछ अलग सी चीजें हैं। अगर आप पिरामिड के राइट हैंड साइड पे देखें तो हमने ये बताया हुआ है कि किफायत से इन चीजों को सिर्फ किफायत से उपयोग करना है। क्या है वो सारी प्रोसेस्ड चीजें हैं, जैसे डिब्बा बम चीजें हैं, अचार है, पापड़ है, लाल मांस है या मक्खन है। हमेशा यही ठीक रहता है कि आप घर में बना मक्खन खाएं जो प्योर है। आलू की बहुत ज्यादा मात्रा नहीं खानी है, मगर आप नाश्ते में उबला आलू खा सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। चीनी और नमक की बहुत ज्यादा मात्रा नहीं लेनी। अब हम चलते हैं लेफ्ट साइड पे पिरामिड के। यह एक अनिवार्य चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर कुछ बच्चों में ये पाया गया है कि उनमें विटामिन डी या दूसरे विटामिन की कमी है तो उसके लिए वो डॉक्टर की सलाह के साथ विटामिन डी के कैप्सूल ले सकते हैं, बट सिर्फ अगर डॉक्टर बोले तब। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को लेने के लिए मछली के तेल के मल्टी विटामिन आप खा सकते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा डाइट और कल्याण पिरामिड यही खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पिरामिड को याद रखेंगे। थैंक यू डॉक्टर लखविंदर, ये हमारे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं, जो भारतीय टीम के जो पहलवान हैं उनका भी खान पान का देख रेख करती हैं साई सोनीपत सेंटर में। और इसी के साथ आज जितने भी जो कोचेज हैं और बच्चे हैं वो इस प्रोग्राम में जो जुड़े हैं उन सब का हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर, और आशा करते हैं कि वो इस प्रोग्राम का भरपूर फायदा उठाएंगे। और जो कोचेज जुड़े हुए हैं उनसे मेरी विनती है, अगर एक सेंटर में आप 20-25 अपने खिलाड़ियों को जोड़ेंगे, छोटे बच्चों को जोड़ेंगे, वो छोटे बच्चों का अपने यार फ्रेंड्स को और जोड़ेंगे, तो अगर 100 भी अगर जुड़ते हैं तो 5 जो कोच हैं वो 500 बच्चों को जोड़ सकते हैं। तो जितने बच्चे ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ही हमारा तो ये प्रोग्राम है सक्सेस हो पाएगा। और जो जिस मकसद से भारतीय खेल प्राधिकरण और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने
इसको इसका बीड़ा उठाया इस कार्य को करने के लिए, उसमें मकसद में हम कामयाब हो पाएंगे। क्योंकि इसका मकसद यही है कि छोटी उम्र में अगर हम बेस स्ट्रॉन्ग कर देंगे, अगर दसवीं तक अच्छी तरह हम पढ़ाई करते हैं तो आगे इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं। ऐसे ही खेल में भी अगर बेस स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो हम आगे जाकर बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, अच्छे पहलवान बन सकते हैं। तो आप जो इस प्रोग्राम के साथ जो जितने भी जुड़े हुए कुश्ती के जो लवर्स हैं, कुश्ती के कोचिज हैं और जो बच्चे हैं, वो अपने फ्रेंड्स को बताएं, कोचिज अपने खिलाड़ियों को बताएं और ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम को सक्सेस करें, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करते हुए। इसी के साथ धन्यवाद बहुत बहुत। कल 4 बजे हम एक बार फिर नए सेशंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।